रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने अपनी विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में सुना। बता दें कि लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र से लोगों की शिकायत मिल रही थी। वहीं विधायक आदेश चौहान ने कहा कि आज शिवालिक नगर पालिका के अंतर्गत संत कृपाल नगर देवनगर में निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी गई और लोगों की समस्याएं ये भी थी कि नालियों में पानी का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। राज्य योजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों की निर्माण कार्य को आज हमने शुरू कराया है और जितनी गलियां यहां पर हैं जिनमें अभी तक सड़कें नहीं हैं, आने वाले 2-3 महीने में हम सब 100% सड़कों को पूरा कर देंगे, क्योंकि इतना राज्य सरकार के द्वारा हमको बजट दिया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ स्थानीय लोगों की और भी समस्याएँ थी जल निकासी को लेकर खासकर, तो उसका भी निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को नाले की सफाई और जहाँ पर नाली डैमेज है उसकी मरम्मत के लिए आदेशित किया है। बोला है ठेकेदार को कि वो उसका लेवल लेकर देख लेंगे, अब मकान पर नहीं उठाए जा सकते और उनका डिस्पोजल कहाँ होना है, वहाँ से उनका कितना लेवल बैठता है, अगर निकल सकता हो कोशिश भी पानी निकल जाए, नहीं निकलेगा तो फिर आगे हम सिविल के विषय में यहाँ विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका भी समाधान हो जाएगा। अगर उससे पानी ड्रेनेज से नहीं निकल पाया तो सीवरेज एकमात्र समाधान है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी, तो पानी भराव की समस्या बहुत बड़ी है, पानी निकासी तरीके से नहीं है, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, जो नालियाँ बनी हुई हैं वो भी उबड़ खाबड़ है, पानी आगे जा नहीं रहा, पूरा मोहल्ला परेशान है, पानी की समस्या है, जगह जगह नाली टूटी पड़ी हुई है और जगह जगह पानी की निकासी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे, बिजली का जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है बीच में कृपाल नगर के अंदर, डबल ट्रांसफार्मर है, बारिश के अंदर सारा पानी भर जाता है उसकी जड़ में, और हमारी ये भी डिमांड थी विधायक जी से कि ट्रांसफार्मर थोड़ा ऊपर उठाया जाए और इसके नीचे से नाली को निकाला जाए। दूसरे, यहाँ पर जल की एक समस्या बहुत बड़ी कि यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी है, गांव-गांव के अंदर जो है आज ओवर टैंक बने हुए हैं, गांव में पानी की समस्या नहीं रही, लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी जहाँ पर लोग रहते हैं और इन लोगों के यहाँ पानी की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है, कोई नलकूप नहीं है और ना ही कोई ओवर टैंक है, पूरी कॉलोनी पानी की वजह से बहुत त्रस्त है।